अकाल, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास और नए प्रोग्राम में जिसका नाम है पांच का तड़का। जी हां दोस्तों, मैं जानती हूं आप सभी इस प्रोग्राम का भाई काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई, इंतजार हो भी क्यों ना, हमारे इस प्रोग्राम की खास बात यही है कि आपको इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के साथ साथ टीवी की दुनिया के बारे में भी कुछ मज़ेदार किस्से जानने को मिलते हैं। और आज हम आपको इस प्रोग्राम में वही टीवी की कुछ मज़ेदार खबरें और बॉलीवुड की कुछ मज़ेदार खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नज़र भाई आज की पाँच ऐसी खबरों पर जो बॉलीवुड के साथ साथ टीवी के बारे में भी आपको जानने को मिलेंगी। लेकिन 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 ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि भाई सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं या फिर इस प्रोग्राम में किस किस सेलिब्रिटीज की बात होने वाली है। अगर बात करें टीवी की दुनिया की तो आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं टीवी की दुनिया में किन्नर बहू यानी कि रूबीना ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी करी है। लेकिन शादी के बाद भाई वो नौकरानी बन चुकी हैं। अब वो कैसे बनी ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा ये खास प्रोग्राम। और साथ ही साथ मौनी रॉय के बारे में भी आप सभी को पता चलेगा। मौनी रॉय तो भाई अक्सर ही अपने हॉट अंदाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरों में बनी रहती हैं और अब वो बॉलीवुड में भी जल्द कदम रख चुकी हैं और उनकी डेब्यू फिल्म भी जल्द गोल्ड रिलीज की जाने वाली है। लेकिन हाल ही में जो भाई मौनी रॉय की फ़ोटो सामने आई है वो वाकई काफ़ी चौंकाने वाली थी। जी हाँ, और ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा ये खास प्रोग्राम। और साथ ही साथ आपको बॉलीवुड के बारे में भी कुछ मज़ेदार किस्से हमारे इस प्रोग्राम में जानने को मिलेंगे। और साथ ही साथ टीवी के बारे में तो भाई आपको दो ऐसी खबरें जानने को मिलेंगी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में और काफ़ी ज़्यादा खबरों में बनी हुई हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तो सभी जानते हैं कि टीवी की किन्नर बहू यानी कि रूबीना दिलाइक ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड अभिनव शुक्ला से शादी की है। लेकिन शादी के तुरंत बाद रूबीना नौकरानी बन चुकी हैं। जी हां, दरअसल शादी के 6 दिन बाद रूबीना और उनके पति अभिनव अपने अपने काम पर लौट चुके हैं और हाल ही में रूबीना की सेट के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में वो पर्पल कलर की साड़ी पहने नजर आ रही है और हाथ में झाड़ू पकड़े दिखाई दी है, यानी कि वो झाड़ू लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये तस्वीर उनके सेट की है जहां वो झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी और नौकरानी जैसे रूप उन्होंने ले रखा था। हालांकि वो सिर्फ शूटिंग के लिए इस लिबास में आई थी। इसी के साथ अगर रूबीना और अभिनव के हनीमून की बात की जाए तो आपको बता दें हाल ही में एक इंटरव्यू में दोनों ने बताया था कि फिलहाल उनके पास हनीमून पर जाने का टाइम नहीं है। रूबीना ने कहा, हम दोनों ही वर्क कमिटमेंट से घिरे हुए हैं, ऐसे में पहले हम एक्टिंग का काम खत्म करेंगे तब हॉलीडे पर रवाना होंगे। हालांकि वेकेशन के लिए अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों द बैंड टूर को लेकर खूब चर्चा में है। सलमान के साथ इस टूर का हिस्सा उनके खास दोस्त जैकलिन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ भी हैं। इन दोनों के साथ डेजी शाह और सोनाक्षी सिन्हा भी सलमान खान के साथ द बैंड टूर पर गए हुए हैं। लेकिन हाल ही में खबर सामने आई कि सलमान खान द बैंड टूर पर जैकलिन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ की लड़ाई खत्म करवाने में लगे हुए हैं। जी हां, अब जाहिर है जहां कैटरीना होंगी वहां सलमान उनके अलावा किसी और को भाव तो देते नहीं है। ऐसी खबरें थी कि कैटरीना के ऊपर सलमान की एक्स्ट्रा मेहरबानी से उनके साथ द बैंड टूर पर गई सोनाक्षी, डेजी और जैकलिन को काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। जैकलिन के साथ तो कैटरीना की टेंशन इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ सेम होटल में रहने से भी मना कर दिया था और अब उनके कोल्ड बार के साथ ये तीनों हीरोइन साथ में नजर आई हैं। और अगर खबरों की माने तो भाई सलमान ने ही इन दोनों की लड़ाई खत्म करवा दी है और इसका सबूत जैकलिन द्वारा शेयर की गई फोटो है। दरअसल जैकलिन ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, जैकलिन फर्नांडिस और कैटरीना कैफ तीनों एक ही साथ एक ही फ्रेम में दिखाई दे रही थी और साथ में पोज भी देती हुई नजर आई। और फोटो से भाई ये तो साबित हो गया है कि सलमान ने कैटरीना कैफ और जैकलिन फर्नांडिस की लड़ाई को खत्म करवा ही दिया है।
के नागिन मौनी रॉय इन दिनों खूब चर्चा में है। कभी अपनी हॉट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, तो कभी बॉलीवुड में अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन एक बार फिर से मौनी रॉय अपने हॉट अंदाज को लेकर खूब चर्चा में है। जी हां, मौनी रॉय इन दिनों गोवा में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। वो अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर रही हैं और हाल ही में एक बार फिर से मौनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में मौनी अपनी फ्रेंड और टीवी एक्ट्रेस आशिका गोराडिया के साथ बेड पर लेटे हुए मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल भी हो रही है। इससे पहले भी मौनी रॉय का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी दोस्त और टीवी एक्ट्रेस संजीदा को लिप किस करती हुई दिखाई दी थी, जिसके बाद से उन्हें कई लोगों ने ट्रॉल करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें समलैंगिक भी बोल दिया गया था। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी फिल्म पिंकी फरार और नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी हैं। लेकिन शूटिंग के दौरान अर्जुन कपूर को किसी से प्यार हो चुका है और इस बात की जानकारी खुद अर्जुन कपूर ने ही फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करके दी है। जी हां दोस्तों, हाल ही में अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है। अर्जुन को शूटिंग के दौरान एक क्यूट सा पपी मिल गया है जिसके साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाकर फैंस के साथ शेयर की है और अपना प्यार जाहिर किया है। बता दें, अर्जुन ने फोटो शेयर करके कैप्शन भी डाला है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, हमें एक नाउम्मीदी भरी जगह पर प्यार मिल गया। कई बार आपको प्यार करना ही पड़ता है। हमारे सेट पर एक क्यूट पटीटू एक सरप्राइज एडिशन था। बता दें, सोशल मीडिया पर अर्जुन की तस्वीर को बेहद पसंद किया जा रहा है और इससे तो ये साफ हो गया है कि अर्जुन कपूर को इस छोटे से पपी यानी कि इस छोटे से कुत्ते से बेहद प्यार हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी जितनी अपनी फिल्मों के लिए खबरों में रहती है उतना ही अपने अफेयर को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं और इन दिनों दिशा पाटनी इन दोनों के अलावा अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। आए दिन दिशा पाटनी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं और एक बार फिर से दिशा पाटनी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दिशा पाटनी खतरनाक स्टंट करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, बता दें, हाल ही में दिशा पाटनी अपने ताजा वीडियो में फ्रंट फ्लिप मार रही है। वो अपने कोच के साथ और कमाल की फ्लिप मारती हुई दिखाई दे रही हैं। वो इस तरीके से कूदी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। दिशा ने ये साफ कर दिया है कि एक्शन के मामले में वो अपने बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ से कुछ कम नहीं है। दिशा ने ये प्रूफ कर दिया है कि लड़कियां भी एक्शन करना बखूबी जानती हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दिशा पाटनी के फिल्मी करियर की, तो भाई आपको बता दें, दिशा पाटनी की किस्मत खुल चुकी है। दरअसल दिशा पाटनी अब सलमान खान के साथ फिल्म भारत में नजर आने वाली हैं। हालांकि अभी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों ये कंफर्म हो चुका है कि सलमान खान के साथ फिल्म भारत में दिशा पाटनी और प्रियंका चोपड़ा एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बॉलीवुड की कुछ मजेदार खबरें और साथ ही साथ आपको इस प्रोग्राम में टीवी के बारे में भी कुछ मजेदार किस्से जानने को मिले। अगर बात करें अपने इस प्रोग्राम की, तो वही हमारे इस प्रोग्राम की खास बात यही है कि आपको इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के साथ साथ टीवी की दुनिया के बारे में भी कुछ मजेदार और हॉट स्पाइसी गॉसिप जानने को मिलती है। ये हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि भाई बॉलीवुड के साथ साथ वो टीवी की दुनिया के बारे में भी जानना चाहते थे और ऐसे ही प्रोग्राम हम आपके लिए रोजाना लेकर आएंगे। लेकिन बॉलीवुड की और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।